हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सिवनी जिले से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल जो कि ग्राम आष्टा में बसा हुआ काली जी का मंदिर है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण रहस्य। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बरघाट तहसील में 13वीं सदी का हेमाडपंथी स्थापत्य शैली में बना आष्टा मंदिर अपनी अनूठी शैली के लिए विख्यात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित यह मंदिर आस्था का भी बड़ा केंद्र है और नवरात्र में देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। जनश्रुति के मुताबिक मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ था। कहा जाता है कि देवी मां की कृपा से बड़े बड़े पत्थरों से विशाल मंदिर रात में स्वतः तैयार हो रहा था, लेकिन इसी दौरान बन रहे मंदिर पर लोगों की नज़र पड़ गई। इसके बाद मंदिर का काम अधूरा रह गया। बड़े बड़े पत्थरों की शिलाएं आज भी मंदिर के आसपास बिखरी पड़ी हैं। वर्तमान में नजर आने वाला मंदिर विध्वंस के बचने वाले अवशेषों के रूप में है। इतिहासकारों के मुताबिक 13वीं सदी से विदर्भ के देवगिरी यादव राजाओं का राज्य यहां तक फैला हुआ था। यादव राजा महादेव व रामचंद्र के मंत्री हिमांद्री ने यहां 8 मंदिरों का निर्माण वास्तुकला की एक विशेष शैली से कराया था। 8 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण होने के कारण इसका नाम बाद में आष्टा रखा गया। इनमें से अधिकांश मंदिर ध्वस्त हो गए हैं। पुरातत्व विभाग के प्रभारी आर के सोनी के मुताबिक बचे हुए मंदिरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए देखते हैं मां काली जी के आष्टा मंदिर में विभिन्न त्योहारों पर आयोजित होने वाले कुछ कार्यक्रम। नवरात्र पर लगता है यहां मेला। चैत्रवान शारदीय नवरात्र के दौरान यहां मेला आयोजित किया जाता है। जवारे व मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना के साथ ही 9 दिनों का जो आराधना और पूजन करने लोग देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में स्थापित ज्योतिष कलश जब एक साथ विसर्जन के लिए निकलते हैं तो यह नज़ारा अनूठा होता है। उत्तरमुखी मां काली की 10 भुजाओं वाली पाषाण प्रतिमा के दर्शन करने लोग यहां दूर दूर से आते हैं। इसका जीर्णोद्धार 2 साल से जारी है। पत्थरों से तैयार मंदिर बेजोड़ स्थापत्य कला का एक नमूना। पुरातत्व अधिकारियों के मुताबिक आष्टा में 2 मंदिर और 1 मंडप मौजूद है। मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति नहीं है। मंदिर की पिछली दीवार से सटी हुई उत्तरमुखी मां काली की पाषाण मूर्ति स्थापित है। मंदिर के चौकोर पत्थरों की जुड़ाई लोहे व शीशे की छड़ों से हुई है। पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर लोहे के सिकंजे से कसा गया है जिससे उनका भार संतुलित बना रहे। मंदिर के गर्भगृह की दीवार चारों ओर से ऊपर उठते हुए संकरी होती गई है जिससे इसका शिखर अत्यंत भव्य और दर्शनीय हो गया है। मंदिर के शीर्ष पर आमलक गोलाकार आकृति भी है। तो दोस्तों, आपके सिवनी शहर से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।